हेलो एवरी वन दिस इज विरेन एंड वेलकम टू द फैटेसी मैच प्ले फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड बैंगलो अभी आप सबको ये तो ज़रूर पता है दैट दिस गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट उसके साथ साथ ये ज़रूर याद रखिएगा कि फैंटू प्ले लीडरबोर्ट करेंटली थर्ड फेज़ में है और आप जीत सकते हो ढेर सारे प्राइजेस टॉप थ्री विनर्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल देखने तो आप भी जाइए 25 टीम्स बनाइए जीएल तो आप जीत ही जाएंगे बट साथ साथ लीडरबोर्ड टॉप ज़रूर करिए जानता हूँ मैं आप में से कई लोग ऑलरेडी उस टॉप पर ऑलरेडी हो बट अगर नहीं हो तो जल्दी जाओ 25 टीम्स बनाओ और ढेर सारे प्राइजेस जीतो सो so, जैसे हमने देखा आई थिंक इन द लास्ट फ्यू गेम्स लॉर्ड ऑफ अप्स एंड डाउन नॉट टू मच वर्किंग डेटा के हिसाब से अप डाउन इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन बैटिंग बोलिंग कोई कभी भी आके बॉलिंग करके जा रहा है कोई बैटिंग नहीं कर रहा है जिसको हम कप्तानी दे रहे हैं वो कभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो ये सब टैकल करने के लिए आई थिंक एक सिंपल सोल्यूशन जो आप रख सकते हो ट्राई टू इन्वेस्ट वो प्लेयर्स में जिनको एक गारंटी चांस मिलेगा या तो बॉलिंग या बैटिंग करने का इसलिए पहले मैं देखूंगा हमारे कीपर्स और बैटर्स इस गेम में कीपर जो भी पहले बैटिंग करेगा उनको मैं लूँगा सिंपल हिसाब है इफ़ दिनेश कार्तिक बैट्स फर्स्ट वो होंगे मेरे टीम में अगर धोनी पहले बैटिंग करेंगे तो वो होंगे मेरे टीम में क्योंकि दोनों काफ़ी लो बैटिंग करते हैं और चेजिंग हमने देखा है थोड़ा सा आसान है तो मे भी उनको उतना चांस ना मिले सेकेंड बैटिंग में फिर हमारे आते हैं तीन बैटर्स ऋतुराज गैकवाड बहुत ही अच्छे टच में लगे वापस अगर पहले बैटिंग करेंगे तो जॉश हे, हेजलवुड उनको परेशान ज़रूर कर सकते हैं बट क्या आप सिर्फ़ उस बात के लिए उनको छोड़ेंगे अपनी टीम से एटलीस्ट स्मॉल लीग में तो बिल्कुल नहीं उसके अलावा डेविन कॉनवे तो अच्छे ऑप्शन हैं बट ग्लेन मैक्सवेल और हसरंगा के सामने मुश्किल हो सकती है लास्ट मैच में हमने देखा सनराइजर्स सुंदर इंजर हो गया तो उनके पास एक भी फुल टाइम स्पिनर था नहीं इसलिए माक्रम को वो टैकल कर पाए बट इतना आसान नहीं होगा आर के सामने उसके अलावा हमारे बाकी दो पिक्स हैं फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली दोनों ही काफ़ी ऑब्वियस अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर होगी कि धोनी वापस कप्तानी कर रहे हैं फाफ डुप्लेसी दूसरी तरफ है अब जितनी कप्तानी डुप्लेसी ने धोनी की देखी है उतना शायद किसी और ने उतनी देखी होगी स्पेशली इस फॉर्मेट में और उसके अलावा डुप्लेसी का ये डिसएडवांटेज होगा कि धोनी उनकी बैटिंग अप टू डाउन जानते हैं तो आप फील्ड प्लेसमेंट भी वो हिसाब से देख पाएंगे जहाँ वो आउट हो जाए तो वो हिसाब से आप जी में ऐसे प्लेयर जरूर ड्रॉप कर सकते हो बट स्मॉल लीग में ये रहेंगे मेरे तीन बैट्समैन तो अब चलते हैं ऑलराउंडर्स और बोलर्स पर काफ़ी ऑप्शन है आपके पास अभी के लिए ऑलराउंडर्स होंगे मेरे पहले पिक रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली चॉइस है बहुत सारे मैचअप्स है जो मैं अगले सेक्शन में डिस्कस करूंगा सेकंड पे क्या ड्वेन प्रिटोरियस जो अगर ड्वेन ब्रावो नहीं खेलते तो पक्का ही टीम में रहेंगे क्योंकि वो फिर क्रूशल ओवर जरूर करेंगे अगर ब्रावो खेलते हैं तो मे भी रहेंगे मे भी नहीं रहेंगे वो हम डिसाइड करेंगे टॉस के बाद टेलीग्राम पर तीसरे पिक जो मेरे कप्तान होंगे ग्लेन मैक्सवेल अगर पहले बैटिंग करेंगे तो हंड्रेड मेरे कैप्टन होंगे अगर दूसरी बैटिंग करेंगे तो थोड़ा लो आते हैं वो हिसाब से मैं मे बी फर्स्ट इनिंग्स डेथ बॉलर मे बी जॉस शेजलबोर्ड या हर्षल पटेल ऐसे कोई बॉलर को पिक कर पाऊँ उसके अलावा होंगे चार बॉलर्स मेरे टीम में पहले होंगे ड्वेन ब्रावो अगर खेलेंगे तो ज़रूर होंगे टीम में नहीं तो महेश थीक्षाना होंगे उनकी जगह पर उसके अलावा हर्षल पटेल जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव है ऑब्वियसली उनके साथ जो ट्रेजरी हुए उसके बाद थोड़े विकेट्स कम जरूर आए हैं बट कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है जोश हेजलवुड जो कि एक्स सी एस के एन है अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे इस मैच में और पहले बॉलिंग करेंगे तो मे बी मेरे कैप्टन या वाइस कैप्टन भी होंगे और लास्ट पिक होंगे वन इंदू हसरंगा जिनसे काफ़ी उम्मीदें हम लगा कर बैठे हैं और लास्ट फ्यू मैचेस में वो उन उम्मीदों पर खड़े भी ज़रूर उतरे हैं तो इसलिए वो एक अच्छे लास्ट पिक होंगे और अगर करेंगे वो फर्स्ट या सेकेंड बॉलिंग दोनों सिनेरियो में मोस्टली होंगे मेरे वाइस कैप्टन बाकी फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पर अब देखते हैं कॉम्बिनेशन और मैचअप्स तो फाइनली ये रही मेरी टीम जा रहे हैं हम एक कीपर तीन बैट्समैन तीन ऑलराउंडर और चार बॉलर्स के साथ अब देखते हैं मैचअप्स तो काफी तीन बड़े मैचअप्स हैं इस गेम में पहला मैचअप है विराट कोहली जो कि जडेजा को तीन बार आउट हो चुके हैं स्ट्राइक रेट अबाउट हंड्रेड बट साथ साथ बॉल भी काफ़ी है 120 बॉल तो खेल कर भी निकाल सकते हैं दूसरी मैचअप जो कि मैं समझता हूँ इस गेम की सबसे बड़ी मैचअप जडेजा जो कि मैक्सवेल को छः बार आउट कर चुके हैं बिलो 40 बॉल मतलब हर छः या सात बॉल में उनको एक बार आउट किया है उन्होंने उसके साथ साथ मैं जडेजा को काफ़ी बार तो कप्तान बना चुका हूँ मे बी सेकेंड बॉलिंग करेंगे तो वापस मेरे कैप्टन होंगे उसके अलावा है तीसरे मैचअप जो है हर्षल पटेल राइडू को पाँच बार आउट कर चुके हैं वापस स्ट्राइक रेड ठीक ठाक है वहाँ पे बट डिसमिसल्स काफ़ी सारे जिसका ये मतलब है कि हर्षल को ऑब्वियसली बचाया जाएगा वो मिडल और एंड ओवर्स के लिए जो वैसे भी डालते ही है राइडू के सामने तो अब चलते हैं चैलेंज पिक्स पर जहाँ पे आप दो तीन या चार प्लेयर्स के साथ भी अपनी टीम बना सकते हो इस गेम में मैं जा रहा हूँ तीन पिक्स के साथ हसरंगा ग्लैन मैक्सवेल और ऋतुराज गैकवाड ऑब्वियसली अगर गैकवाड में भी पहले बैटिंग करे तो फिर मैं उनको जडेजा के साथ रिप्लेस करूँगा आप भी जल्दी जाइए अपनी पिक्स करिए फ्री कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करिए और साथ साथ टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़िए जो फाइनल टीम सिनेरियो के हिसाब से और ऑल दी अपडेट्स ऑल द गुड लक